नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भारतवर्ष में स्थापित हनुमान मंदिरों में बजरंगबली की विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित हैं, परंतु भारत में दो मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर बजरंगबली अपने बेटे मकर ध्वज के साथ विराजमान हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम के परम भक्त व भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र कैसे हुआ, परंतु यह बिल्कुल सत्य है कि वीर हनुमान जी का एक बेटा मकर ध्वज भी था। पिता पुत्र के इस छिपे रहस्य से आज आपको अवगत करवाते हैं। इन मंदिरों में पिता हनुमान व उनके बेटे मकर ध्वज की एक साथ पूजा की जाती है। कहाँ पर स्थित हैं पिता पुत्र के हैं मंदिर? द्वारिका से 4 मील की दूरी पर बेट द्वारिका में हनुमान दंडी मंदिर है। इस मंदिर में मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जबकि पिता पुत्र का दूसरा मंदिर राजस्थान के ब्यावर में स्थापित है। भारत में केवल यह 2 मंदिर हैं जहां पर हनुमान जी की पूजा उनके बेटे संग की जाती है। कैसे हुआ हनुमान जी के पुत्र का जन्म? श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के वनवास के दौरान लंकापति रावण की ओर से माता सीता को हरण कर लंका स्थित अशोक वाटिका में कैद कर लिया गया था। तब हनुमान जी माता की खोज करने लंका गए। रावण के दरबार में हनुमान को पेश करने पर मेघनाथ द्वारा उनकी पूंछ को आग लगा दी जाती है। तब हनुमान जी उस पूंछ से समूची लंका को जला देते हैं। पूंछ की गर्मी को समाप्त करने के लिए समुद्र के जल में प्रवेश करते हैं। इसी दौरान उनके पसीने की एक बूंद पानी में गिरती है, जिसे एक मछली पी लेती है। पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो जाती है, जिससे एक बालक का जन्म हुआ जो आधा मछली व आधा वानर जैसा था। इस बालक का नाम मकर ध्वज रखा गया। रावण के भाई अहिरावण व महिरावण की ओर से श्री राम व लक्ष्मण का हरण किए जाने के समय पाताल में हनुमान जी की भेंट अपने बेटे से होती है, तो मकर ध्वज अपने पिता की मदद कर भगवान श्री राम लक्ष्मण को मुक्त करवाते हैं। मुक्त होने के बाद श्री राम ने मकर ध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त कर उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हनुमान दंडी मंदिर का इतिहास। गुजरात में द्वारका से 4 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान दंडी मंदिर में मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक समान ऊंची हो गई हैं। ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर पहली बार हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज से मिले थे। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की प्रतिमा स्थापित है। वहीं पास में ही हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इन दोनों प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि इन दोनों के हाथों में कोई भी शस्त्र नहीं है। यह दोनों प्रतिमाएं आनंदित मुद्रा में हैं। यह मंदिर कितने साल पुराना है इस बारे में कोई नहीं जानता। राजस्थान के ब्यावर स्थित हनुमान जी का मंदिर। भगवान श्री राम के वरदान की वजह से कलयुग में जागृत देव के रूप में भक्तों के संकट को समाप्त करने के लिए मकर ध्वज यहाँ पर बालाजी के रूप में प्रकट हुए। ब्यावर में स्थित इस मंदिर की मान्यता भी दंडी मंदिर के समान है। मंगलवार शनिवार को होता है विशेष पूजन। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को देश भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह स्थान तांत्रिक साधनाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर हनुमान, मकर ध्वज, गोरखनाथ, महाकाल, भैरव, घंटा, कर्ण संबंधी उपासना एवं तंत्र मंत्र की साधना की जाती है। इस मंदिर में किसी समस्या या संकट के निवारण के लिए प्रसाद के साथ अर्जी लगाई जाती है। दरअसल यह दरबार में चढ़ाने का एक प्रसाद है। प्रसाद में नारियल, अगरबत्ती, सिंदूर, तेल, देसी घी का दीपक, चावल, उड़द, मौली, रेवड़ी होती है। मकर ध्वज बालाजी आने वाले भक्तजन दुकान से अर्जी लेते हैं, उसे बालाजी के दरबार में ले जाकर 21 बार शरीर पर उतारते हैं। मान्यता है कि इससे संकट दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी उन मंदिरों से जुड़ी जानकारी जहां पर बजरंगबली अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।